तरह के आपको पता है ऑनलाइन हमने डाल दिया था, आज हमारे साथ मौजूद होंगी सायरा असफर जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, यू हैव सीन हर ऑफन ऑन द शो। बताते चले आपको कि 28 अक्टूबर को फुल मून भी है और इसके अलावा साल का आखिरी ग्रहण भी है जो कि पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। इसके जो पीक आवर्स हैं वो कहा जा रहा है 1:14 पर होंगे, एंड आई नीड टू टेक माई माइक आउट। जी जनाब, वरना इसकी फीडबैक बहुत आ रही थी। तो 1:14 जो 28 और 29 के बीच की रात है उसमें आप देखें कि मैक्सिमम या शायद जैसे ही 28 तारीख शुरू होती है, इस पर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन आई लास्ट सायरा अबाउट इट, लेकिन ये ग्रहण सबके लिए क्या सिचुएशन लेके आ रहा है आपको बताते चले। ये जो फुल मून है ना, इसको ब्लड मून भी कहा जाता है, इसको हंटर्स मून भी कहा जाता है, और इसकी वजह ये है कि ये हार्वेस्ट सीजन है, इसमें थोड़ा सा ये सुर्खी माइल भी होता है, साल का ये आखिरी इक्लिप्स है, और कुछ जो कदीम लोगों की सोच है, कुछ पेगम जो प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक, जिस तरह कि आपको पता है 31 अक्टूबर को वो मनाते हैं जी अपना हैलोवीन, और कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी स्पिरिट्स और नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, लेकिन ये ऑलरेडी दिस इज़ वेइंग वेरी वेरी हैवी। इससे रिलेटेड लोगों के सवाल हैं कि जब इस तरह के ग्रहण आते हैं तो लोगों की जो हुकूमत है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, सियासी सूरत हाल पर फ़र्क पड़ता है। आप आपसी ताल्लुकात में देख रहे होंगे कि लोगों को गुस्सा आजकल ज़्यादा आ रहा है, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो लेट्स फाइंड आउट कि ये ग्रहण दुनिया के लिए क्या पैगाम लेके आएगा। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलों को भी देखेंगे, और जो पूरी दुनिया इंच इंच करके ऐसा लग रहा है कि एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है, जो जुल्म और बर्बरियत फलस्तीन में जारी है, आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सितारों की चाल इसको कैसे लेके चल रही है। बहुत शुक्रिया सायरा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे ये बताइए कि ये इक्लिप्स हम पाकिस्तान में तो नहीं देख पाएंगे, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है, इक्लिप्स यूजली जोड़ियों में आते हैं, जब ये कॉन्फ्लिक्ट फलस्तीन का शुरू हुआ तब भी एक इक्लिप्स का शैडो पीरियड चल रहा था, किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं आप मामलात को? जी सिद्रा, सवाल तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग किया है क्योंकि बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है, सो जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं उसके अंदर एक दिन दो दिन की मामलात से क्या मिनटों में चीज़ें बदल रही होती हैं। और इक्लिप्स का जो टाइम होता है, चाहे वो सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम होता है क्योंकि एनर्जीज इधर बहुत ज़्यादा कंबाइन हुई होती हैं, और ये सिर्फ एक रिलीजन में या एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, ऑल अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारी जगहों पे इक्लिप्स को बहुत हैसियत दी जाती है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी इससे लेके सुपरस्टिशंस हैं कि जी सूरज ग्रहण में बाहर नहीं निकले, ये ना काम करें, वो ना काम करें जी। इसको लेके जो प्रिडिक्शन है वो भी काफी, मैं अभी आपके शो से पहले जो है कुछ थोड़ा अपने कार्ड्स ही निकाल रही थी टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है, और आप हैरान होंगी कि बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें से निकली हैं जो कि मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड थी कि ऐसा भी होना है, अच्छा वैसा भी होना है। तो आप जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहें आप पूछें, और मैं जी सबसे पहले तो मैंने जैसे आपसे ही कहा वक्त हमारे पास कम होगा, सायरा जी फ़लस्तीन की सूरत हाल ख़ास तौर पे ये ग्रहण क्या इस तनाज़े को मज़ीद बढ़ाएगा, क्या इस जंग के मशरिक़ वुस्ता में फैलने का ख़तरा है, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि अभी ये जंग ख़त्म नहीं हुई, अभी तो एक और फेज़ आना है इस जंग के अंदर जी, जिसकी वजह से और ज़्यादा तबाही फैलने के चांसेस हैं। हम सारा कसूर ग्रहण को नहीं दे सकते, लेकिन हाउएवर इसके बिल्कुल चांसेस हैं कि ये सिचुएशन बेहतर होने की बजाय और बुराई की तरफ जाए, और डिफ़िकल्टीज हो रही हैं फ़लस्तीन के लिए, मुश्किल वक्त नज़र आ रहे हैं। अगर इसको कुछ चेंज करना हो तो हमारे हाथ में है, अगर हम कुछ करें तो शायद कुछ बदलेगा। सायरा जी पूरी दुनिया इस वक्त सरापा एहतजाज है, अक्वाम आलम वहाँ पे मौजूद शहरी सैकड़ों लाखों की तादाद में एक तरह से फोर फ्रंट पे आ गया दोबारा फलस्तीन का तनाज़ा, और इंसाफ मांग रहे हैं, सीज़ फायर के लिए इल्तजा कर रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं अपनी अपनी हुकूमतों को, तो मुझे बताइए सीज़ फायर कब तक होने के इम्कान हैं, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? सीज़ फायर इस वक्त तो मुझे होने के इम्कान बहुत मुश्किल लग रहे हैं। Okay. 3 से 4 हफ्ते के बीच में कुछ आपके पास खबरें आएंगी फलस्तीन के मुताबिक, जो कि जिसके बेस के ऊपर हम ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ तो जो सिचुएशन चल रही है, जैसा मैंने कहा कि एक और वेव आनी है प्रॉब्लम्स की, इश्यूज़ की,
फिर उसके बाद चीज़ें, एक महीना तो मेरा ख्याल है अभी बिल्कुल। सिचुएशन अच्छा मुझे बताइए, सॉल्व। हमारे फॉरेन ऑफिस को बकायदा स्टेटमेंट देनी पड़ी है कि हम अपने ट्रूप्स नहीं भेज रहे, हम चाहते हैं कि ये मामला डी एस्केलेट हो। क्या पाकिस्तान के इसमें किसी तरह से मुलव्वस हो जाने के, इसके अंदर एम्ब्रॉयल्ड हो जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको, या पाकिस्तान इससे एक एक थोड़ी सी दूरी रहेगी इस तनाज़े, इस कॉन्फ्लिक्ट से? अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई डिसीजन लेनी पड़े इस सिचुएशन के बारे में, उसको ऐसी जगह पे ला के खड़ा कर दिया जाए जहाँ आउटसाइड द कंट्री की फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। पाकिस्तान क्या स्टेप लेगा क्या नहीं लेगा, अनफॉर्चुनेटली और आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट कोई सर्टन वर्ड्स में पाकिस्तान नहीं कर रहा, लेकिन बाहर से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त लैक ऑफ कमिटमेंट है, कोई डिसीजन इस तरह की नहीं है। अच्छा जी, अब ज़रा अंदरूनी मामलात पे आ जाते हैं। सायरा जी, जनवरी 2024 के आखिर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में इलेक्शंस देख रहा है, क्या आपके कार्ड्स इसको एक तरह से कंफर्म कर रहे हैं इलेक्शंस होने वाले हैं जनवरी में, या डिले होंगे, या बहुत ज़्यादा डिले होंगे, क्या देख रही हैं आप? इलेक्शंस जनवरी में हो सकते बिल्कुल, लेकिन ये चीज इस तरह की नहीं है, येस और नो वाला सवाल है ही नहीं, बिकॉज इसकी सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो डिले की तरफ भी जा रही है। अगर इफ द इंस्टीट्यूशन द वन इन कमांड डज नॉट गेट जो उनको चाहिए तो ये डिलेस के चांसेस हैं। ठीक है, एक पूरी सिचुएशन है मेरे आप जी जी सायरा जी, एक और चीज़ के कुछ लोगों ने पॉलिटिकल पंडित्स का ये भी कहना है कि चले जी इलेक्शंस तो हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शंस के बाद हम एक पीरियड ऑफ अनरेस्ट देख रहे हैं, शायद इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो तनाज़े का शिकार हो जाएं, लोग उसको मानने से इनकार कर दें, मज़ीद अनरेस्ट हो। आप कैसे देखती हैं कि क्या इलेक्शंस होने के बाद पाकिस्तान के लिए खुशहाली स्टेबिलिटी का पीरियड है, या ये इलेक्शंस मज़ीद अनरेस्ट कॉज कर सकते हैं? खुशहाली के मामले में तो सिर्फ जो है बिजनेस या निगोसिएशंस जो है इसके अंदर खुशहाली थोड़ी सी नज़र आ रही है। जहाँ तक आपकी बात है कि वो एक्सेप्टेबल होंगे कि नहीं इलेक्शंस, कंट्रोवर्शियल है बिल्कुल ये बात, ऐसा पॉसिबल है इलेक्शंस हों, लेकिन ये मैंने आपको कहा कि इलेक्शंस डिले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ के ऊपर प्रेडिक्शन है ही नहीं। हमारे पास जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं आपस में, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज एज अ पॉसिबिलिटी एक अंडरस्टैंडिंग पेश की जाए इमरान खान की तरफ भी, और अगर इमरान खान उसको कंसिडर भी करना चाहें तो मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज दैट इज ओके। सो चेयरमैन पीटीआई के लिए अभी भी मुश्किलात का सिलसिला रहेगा। सायरा जी मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए हैं, खैर मकदम किया गया है, अदालतों से बड़ी रिलीफ मिली है, क्या वो चौथी दफ़ा वजीर आजम पाकिस्तान बन सकते हैं, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? तो मेरे कार्ड्स के मुताबिक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, दो खवातीन हैं हाँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रही हैं प्रीमियरशिप के लिए, इंस्टेड ऑफ ज्यादातर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, लेकिन नवाज शरीफ थोड़ा सा मुझे स्टेप बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है मरियम नवाज फ्रंट लीड लें और प्रीमियरशिप के लिए भी खड़ी हो, और उनके सितारे तो काफी जगमगा रहे हैं, काफी चीजें उनके हक में जा रही हैं और बहुत सारी चीजों पे उनको बहुत सारी सपोर्ट मिल रही है। हाउएवर उनके लिए भी एक वार्निंग है कि एक ऐसी सिचुएशन है जो बिल्कुल उनके सामने अभी नहीं आई हुई और बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू किस्म का एक वो बॉलर कहते हैं क्या कहते हैं वो जो हाँ। एक आपके पास बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड सी बॉल आती है वो होने हाँ। वाला है उनके लिए। नवाज शरीफ साहब की सेहत काफ़ी मुझे ख़राब नज़र आ रही है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत फोर फ्रंट पे चीज़ें कर सकेंगे, इनफैक्ट ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, काफ़ी चीज़ें उनके लिए मुश्किल है। आप कह रही हैं कि सेहत के मामलों के लिए उनकी, यानी हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे, पहले भी उन्होंने जो जिलावती इख्तियार की उसमें भी उनके सेहत के मामलों ही सामने आ रहे थे। मुझे ये बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके हाथ में, जैसे अक्सर पहले कई लोगों के हवाले से कह रहा था ना इनके कार्ड्स में, इनकी किस्मत में तो हमें प्रेमियर शिप नजर ही नहीं आ रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी आपको मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पे दिखाई दे रहे हैं? वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पे तो शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन यह है कि किसी ना किसी किस्म की डेजिग्नेशन ऑफिशियल किस्म की इनके पास है जरूर, वो चल रही है। इनका टाइम वो कहते हैं अभी नंबर नहीं आया, अभी इसमें थोड़े डिलेज हैं, लेकिन फिर भी काफी चीजें इनके हक में जो अटकी हुई थी डिलेज के साथ सॉल्व हो रही है, लेकिन हो जाएंगी। आप जरदारी साहब का क्या रोल देख रही हैं इन आने वाले इलेक्शंस में? वो भी देख लेते हैं, उनका मैंने नहीं निकाला हुआ था, लेकिन लेट्स सी जरदारी साहब का
क्या वेरी क्विकली जी 10 seconds है हमारे पास जी सायरा जी, एक ही कार्ड निकाल दें बताएं। हाँ जी, काफी एफर्ट है, काफी चीजें हैं, मीटिंग्स, बहुत सारी कम्युनिकेशन चल रही है, लेकिन मुश्किल हैं काफ़ी चीज़ें इनके लिए भी, मुश्किलात का शिकार हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह भी कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, सो इनके लिए भी एक मुश्किल दौर है। सायरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मामलात और सवालात तो बहुत सारे हैं, वक्त हमारे पास कम है, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है।